राशि, नए और अलग अलग कार्य करने के अवसर आज आपके रास्ते में आएंगे। आज नए ग्राहक और विभिन्न परियोजनाएं आपके पास आ सकती हैं, और कुछ में तो इतनी संभावना होगी कि वो आपको आपकी सपनों की तरह या बहुत महत्वपूर्ण परियोजना बन सकती है। इस अवसर का फायदा उठाने के लिए आपको आज अतिरिक्त मेहनत करनी होगी और आप इसे करते हुए आनंद महसूस करेंगे। वृषभ राशि, एक उत्कृष्ट अवसर आपके लंबित कार्यों को खत्म करने के लिए आपके रास्ते में आ सकता है। इस खाली समय का पूरा उपयोग करें। हालांकि आप जिस तरीके से अपने काम अभी तक करते थे उन्हें आपको छोड़ना होगा। ये समय अपनी पसंद के घर के स्वामित्व पाने का सही समय है। मिथुन राशि, आज के दिन जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें आगे बढ़ने के अच्छे अवसर और पदोन्नति मिल सकती है। अगर आपने सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपको आज शुभ संदेश मिलने के अवसर दिख रहे हैं। ये समय किसी दूसरी नौकरी जैसे कि प्रशासनिक कार्यों के लिए आवेदन के लिए भी एक अच्छा समय है। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कर्क राशि, घर्षण एवं विचारों की असमानता आप और आपके साथी के बीच विकसित होने की संभावना है, लेकिन आपको अपने विचारों से नहीं हटना है और उसी के साथ रहना है। आप चिंता न करें क्योंकि ये स्थिति एक स्थायी मनमुटाव को जन्म नहीं देगी। हालांकि आपके साथी के साथ आपका थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन जब ये पता चलेगा कि जो आपने किया वो सही था तो आपका साथी आपको अधिक सम्मान देगा। सिंह राशि, व्यवहारिक स्थिति आज आपको काफी तीव्रता से काम करने के लिए मजबूर कर रही है, पर आपका मन अपने परिवार के साथ समय बिताने में अधिक रुचिकर दिखेगा, इसलिए आपको दक्षता से अपनी दोनों प्रतिबद्धताओं को निभाना होगा। आप अपने काम को नजरअंदाज ना करें। हालांकि आपका मन इधर उधर भागेगा, आप उन दोनों के संतुलन के लिए अपने खाली समय या अपने दोपहर के भोजन के घंटे और अवकाश के समय के बाद का समय उपयोग कर सकते हैं। कन्या राशि, आज के दिन आपको अपने सहकर्मियों के साथ सतर्कता बरतनी जरूरी है। कुछ तर्क वितर्क और वाद विवाद के कारण आपके दफ्तर का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए बेफालतू के वाद विवाद से बचें। आज के दिन कुछ क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से आपके विचार अलग हो सकते हैं। हालांकि धातु या कृषि उत्पादन में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तुला राशि, आज आपका मन अटकलों और अनावश्यक चीजों की ओर भागेगा, परंतु फिर भी आपके केंद्रित रहने की क्षमता काफी मजबूत रहेगी। आप कम से कम समय में अधिक से अधिक काम खत्म करने के क्रम में घर पर या अपने कार्यालय डेस्क पर रहें। हालांकि घर पर काम करने में अधिक समय ऊर्जा और पैसों का हास होगा। आप कुछ सामान या खाद्य सामग्री मंगवा सकते हैं या कुछ ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन काम और कार्य क्षेत्र के हिसाब से काफी हद तक शांत रहेगा। आज का दिन घटनाओं रहित रहेगा, जिससे कि आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम में थोड़ी राहत मिलेगी, जिसकी तलाश आपको काफी समय से थी। इस समय की आप सराहना करें और इसे मनोरंजन में बिताएं, और उन खुशनुमा पलों को भी याद करें जो आपने अपने करियर या कार्य क्षेत्र में महसूस किए हैं। धनुराशि, आज का दिन एक नए व्यापार उद्यम को लगाने का समय है। काफी समय से बात आपके मन में ही थी, पर उसे उपयोगिता में नहीं ला पा रहे थे, लेकिन आज का दिन इसको पूरा करने का दिन है। आपको कई नए अवसर मिलेंगे और सब वैध एवं असली होंगे। अगर आप विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेंगे तो जो भी मुश्किलें आ रही थी वे धीरे धीरे लुप्त होती जाएंगी। मकर राशि, जब आप एक नई परियोजना में तल्लीन हो जाओगे तो शायद ही अन्य बातों के लिए आपके पास समय होगा। आपको सावधान रहने की जरूरत है कि रास्ते में आ रही किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। ये एक उच्च स्थान प्राप्त करने में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण संदेश भी हो सकता है। वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे। कुंभ राशि, आज आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्य में अपने मित्रों और सहकर्मियों से सहायता मिल सकती है। आप उनको अपना आभार देना ना भूलें और बदले में आप भी समय पड़ने पर उनकी सहायता करें। धन एवं नकदी प्रवाह में सुधार आएगा। इस दिन आपको अपने अनावश्यक खर्चों पर भी लगाम लगानी होगी, क्योंकि आप अच्छा कमाएंगे पर साथ साथ आपको अपने खर्चे घटाने में काफी मुश्किल हो सकती है। मीन राशि,
आप किसी भी सरकारी हस्तक्षेप के बिना छुट्टियों के कुछ दिन बिताने के बाद अब वापस अपनी कार्य करने की शैली में आ गए हैं, लेकिन आपके ग्राहकों सहयोगियों के व्यवहार से ऐसा नहीं लगता। उन्हें समझें और उनकी समस्याओं के प्रति सम्मान दिखाएं। उन्हें कार्यों से हटकर कुछ मानसिक शांति देने का प्रयास करें, लेकिन उन्हें ऐसा न लगे कि आप उन पर कोई एहसान कर रहे हैं।